वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चक्रवाती तूफान बुरेवी को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। बुरेवी के शुक्रवार को तमिलनाडु और केरल के तट पर आने की संभावना है। अलर्ट के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों से बात कर हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। NDRF की 8 टीमों तैनात, वायुसेना और नौसेना भी अलर्ट चक्रवाती तूफान की चेतावनी को देखते हुए NDRF की 8 टीमों को केरल में तैनात किया गया है। वहीं वायुसेना और नौसेना की टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। 175 परिवारों के 697 से अधिक लोगों को राहत कैंपों पर पहुंचाया गया है, जबकि 2489 अन्य कैंप बनाए गए हैं। प्रभावित होने वाले राज्य NDRF की कई टीमें दोनों राज्यों में तैनात हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दोनों राज्यों के CM से बात कर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल के दक्षिण हिस्से के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा था कि तूफान श्रीलंका के ऊपर से गुजरते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और इसके मन्नार की खाड़ी में उभरने की संभावना है। हालांकि इस बीच चक्रवाती तूफान कुछ हल्के पर गया है। NDRF की 8 टीमों को केरल में तैनात किया गया है। वायुसेना और नौसेना की टीमें भी अलर्ट मोड पर है। 2489 अन्य शिविर बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों को सुरक्षित पहुँचाया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।